डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइटें लगी हुई हैं इस मंदिर में। ये देखो गाइस कितना बढ़िया फाउंटेन शो हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसे दुबई का जो फाउंटेन शो है। यहाँ भगवान कृष्ण जी का ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था उस प्रतिमा को दर्शाया गया यहाँ पर। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस तो अभी मैं आया हूँ यहाँ मथुरा में, तो आपने पिछला जो ब्लॉग देखा होगा वो आगरा का था, आगरा से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है मथुरा। तो अभी हम यहाँ मथुरा में आए हुए हैं, अभी यहाँ पर हम जा रहे हैं मंदिर और लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर दबा देते हैं। मथुरा आते आते हमें लगभग शाम के 6 बज गए हैं, तो अभी हम लोग यहाँ मथुरा में एक गेस्ट हाउस मिल गया था हम लोग को, आज रात के लिए हम लोग इसी गेस्ट हाउस में स्टे करेंगे। इस गेस्ट हाउस के बगल में ही यहाँ पर एक प्रेम मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ मथुरा का, तो आज हम जाएंगे उसी मंदिर में। चलो ग्राउंड फ्लोर आ गया है, बाहर चल के देखते हैं। खुल जा सिम सिम, खुल गया। और ये बाहर देखो गाइस अभी ये फर्श भी गीला आएगा, अभी बारिश हो रही थी यहाँ पर लेकिन अब फ़िलहाल रुक गई है, तो अब हम लोग देख फिलहाल तो अभी बारिश रुक गई है, तो आज प्रेम मंदिर हम जरूर जाएंगे। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी सामान निकालने, सारा सामान निकाल के रूम में रखते हैं। तो गाइस ये है रूम, अभी यहाँ पर मैंने लाइट नहीं जला रखी इसलिए थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा। और ये खिड़की में से सामने देख सकते हैं आप, ये दिख रहा है, फोकस क्यों नहीं हो रहा, फोकस, हाँ। तो ये सामने है गाइस ये प्रेम मंदिर जो आप देख सकते हैं, RGB लाइटिंग लगी हुई है। तो गाइस ये आ गए हम प्रेम मंदिर, ये है मेन गेट प्रेम मंदिर का। ये गाइस आ गए हम प्रेम मंदिर के अंदर, यहाँ पर चेकिंग चल रही थी तो मास्क लगाने अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। ये देखो गाइस यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ लगी हुई हैं। ये लिखा हुआ है सामने प्रेम मंदिर, और ये मंदिर, इस मंदिर में लाइटिंग देखना गाइस आप, कितनी डिफरेंट डिफरेंट लाइट है, कभी रेड हो जाती है, कभी ब्लू हो जाती है, कभी ग्रीन हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइटें लगी हुई हैं इस मंदिर में। अब ब्लू हो गई, अब पर्पल हो गई, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर। ये देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है मंदिर पास से। लोग गाइस फिर से बारिश स्टार्ट होने लगी, जब अपन गेस्ट हाउस पे थे तब तो इतनी बारिश नहीं हो रही थी, अब दोबारा से बारिश होने लगी। अब कोई बात नहीं, अब आ गए तो अब पूरा घूम के जाएंगे। और सामने देखो गाइस यहाँ फाउंटेन लगा हुआ है, सुबह आएंगे तभी, लेकिन अभी अंधेरे का। तो गाइस बहुत तेज बारिश हो रही थी, आप सिर पर देख सकते हैं कितना पानी पानी हो गया है, पूरे बाल गीले हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ गए हैं मंदिर में तो पूरा घूम के जाएंगे। अब चाहे गीले हो जाएं, अब भले ही चाहे गीले हो जाएं, लेकिन मंदिर आए हैं तो पूरा घूम के जाएंगे। सामने गाइस फाउंटेन शो हो रहा है, और मंदिर के पीछे की साइड फाउंटेन शो हो रहा है, और ये रहा मंदिर। ये देखो गाइस कितना बढ़िया है फाउंटेन शो हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसे दुबई का जो फाउंटेन शो है। दुबई का फाउंटेन शो मैंने रियल में तो देखा नहीं है, लेकिन ये फाउंटेन शो इससे कम तो नहीं लग रहा है। सामने वाला नहीं, इधर आ जाओ। हर एक मिनट में इस मंदिर की लाइट जो है वो चेंज हो जाती है, आपको पता नहीं कैमरे में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन फाउंटेन शो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखो गाइस अब तो प्रोजेक्टर भी चल गया है पीछे, यहाँ कोई पर्दा नहीं लगा हुआ है, पानी में ये पूरी सीनरी बन रही है। यहाँ के जो कृपालु गुरु जी महाराज है उनकी वीडियो चल रही है।
गाइस अब बारिश बहुत तेज़ हो गई है और एक कैमरे पे भी पानी जमा हो गया है। जल्दी से आगे चल के और देखते हैं और क्या क्या बना हुआ है। और देखो गाइस कितना बढ़िया है, एक गार्डन बना हुआ है यहाँ पर भी अलग अलग पत्थरों से और अलग अलग पौधों से। यहाँ पर कितना बढ़िया गार्डन बनाया गया है, कांटे वाले पौधे भी लगे हुए हैं और बगल में लगी हुई है झांकी और बगल में एक और झांकी लगी हुई। और ये देखो गाइस यहाँ पर कृष्ण जी की अलग अलग रासलीलाएं जो हैं उनको स्टैचू के रूप में दिखाया गया है यहाँ पर, और जो कि राउंड राउंड घूम भी रही हैं धीरे धीरे। और ये मंदिर का फिर कलर चेंज हो गया, अब येलो कलर हो गया है, अब हर कलर में बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर। अब गाइस साइड मंदिर के बगल में आ गए, यहाँ पर मंदिर के अंदर चलते हैं। बहुत मंदिर के अंदर तो चलेंगे, लाइटिंग और अच्छी होगी जब बाहर इतनी अच्छी है तो मंदिर के अंदर लाइटिंग तो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। जई वाली वीडियो देखी हमने अक्सर, जितनी फोटो देखी हाँ पानी भी आ रहा गोवर्धन पर। अगर आप भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं तो फिर यहाँ पर एक बार जरूर आना मथुरा में, बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। यहाँ भगवान कृष्ण जी का ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था उस प्रतिमा को दर्शाया गया है यहाँ पर। तो गोवर्धन पर्वत से ऊपर से पानी भी गिर रहा है, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, जो कि कुछ भी बोलो वेरी 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 ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है अगर आप पहली बार यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप यहाँ पर आप जन्नत में आ गए। तो गाइस बारिश अब फिर से रुक गई है, लेकिन यहाँ पास पूरा गीला हो गया। और ये सामने भगवान कृष्ण जी की अलग अलग झांकियाँ बनी हुई हैं, और ये बगल में यहाँ पर जूते चप्पल रखने के लिए जगह बनी हुई है। और ये सामने रहा गोवर्धन पर्वत जो अभी आपको दिखाया था। अब यहाँ पर जूते उतार देते हैं और चलते हैं मंदिर के अंदर। बस पहुंचने वाले अंदर, जूते उतार दी और यहाँ पे पूरा फर्श जो है गीला हो गया है तो बहुत ठंडा लग रहा है। हाँ बहुत ठंडा हो गया, बस पहुँचे गए और ये जंग जीत लिया। आ गया दीदी, हाँ यहाँ पे सूख जाएंगे। इस मंदिर के अंदर हम जा रहे और ये रहे गाइस गुरु कृपाल महाराज, यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है जो कि एकदम रियलिस्टिक लग रही है। तो गाइस अब आ गए हैं मंदिर से बाहर, और ये जो झांकियां दिख रही थी सामने, ये झांकियां दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे भी कृष्ण की बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ बनी हुई हैं। और ये गार्डन में कृष्ण जी यहाँ पर राधा कृष्ण बैठ के यहाँ पर झूला झूल रहे हैं। तो गाइस मंदिर पूरा हम लोगों ने घूम लिया है ये वाला, और ये एग्जिट रूम यहाँ पर, अब यहीं से एंट्री थी तो यहाँ से हम लोग आके यहाँ से पूरा एक चक्कर काट के, अब तो बंद हो गया है 8 बजे के बाद बंद हो जाता है मंदिर। देख क्या मम्मी अपन को देख रही है, चलो यहीं खड़े रहो अपन। तो भाई से मंदिर तो बहुत ही सुंदर था, हमें बहुत ही मज़ा आया। आप कभी यहाँ पर आइएगा तो इस प्रेम मंदिर में जरूर घूमिएगा। ये पीछे राधा कृष्ण जी का बहुत ही बड़ा यहाँ का फेमस मंदिर है वृंदावन का। तो अभी तो रात हो गई थी और मेरा कैमरा डिस्चार्ज हो गया था तो मैं अपने कैमरे से शूट नहीं कर पाया, तो मैं सुबह यहाँ दोबारा आऊँगा और फिर आपको यहाँ पर आके दोबारा प्रॉपर अच्छे से दिखाऊँगा। तो सुबह मिलते हैं गाइस, ओके बाय।